Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो दोस्तों, नमस्ते आदाब, सत श्री अकाल। एंड बच चुके हैं शाम के 5, जिसमें आप लोग जो है वो इस बुक को खत्म करने के पीछे पड़े हुए हो, और ये जिद जो है वो आपको ज्योग्राफी के बाद लेकर के आ जाती है। आज जैसा आप लोगों ने कमेंट किया कि सर साइंस को स्टार्ट करिए, तो साइंस को खत्म करने की तरफ, तो साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम लोग साइंस के पहले चैप्टर को फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो जो लोगों का भी रेलवे का एग्जाम, एसएससी का एग्जाम है, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन जो है से लेकर के लास्ट क्वेश्चन तक फिजिक्स के जो भी एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने हमसे पूछे हैं वो सब हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हमारी इस बुक का चैप्टर नंबर 10, साइंस का पहला चैप्टर, फिजिक्स का जिक्र करने वाले हैं। और पहला क्वेश्चन है, डायोड जो है इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। 1997 में पूछा गया क्वेश्चन था। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल अच्छे से जानते हैं और जवाब देने वाले हैं। पहला क्वेश्चन फिजिक्स का, डायोड जो है इसका इस्तेमाल कहां पर किया जाता है। यहां पर जनता बोलिए सर सही जवाब होना चाहिए, डायोड का इस्तेमाल जो है वो हम लोग कहां पर देखते हैं। जनता ने बोला सर 4 नंबर के ऊपर टिक करिए। यहां पर जितने लोग बोल रहे हैं कि सर होना चाहिए 4 नंबर, वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, क्योंकि प्यूरिफिकेशन या स्विचिंग ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होता है। स्विचिंग करने के लिए या हम लोग किसके लिए, या हम लोग प्यूरिफिकेशन करने के लिए डायोड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मॉड्यूलेशन के लिए हम लोग FM का इस्तेमाल करते हैं, एम्पलीफिकेशन के लिए हम लोग एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, हमारे पास आता है विच अमंग द फॉलोइंग डेवलप द टेक्नोलॉजी ऑफ अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोशन। इनमें से किसने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोशन की थ्योरी को लेकर के आए थे, होमी जे जे भाभा, विक्रम साराभाई, राजा रमन्ना या पी के अयंगार। क्या होना चाहिए गाइज यहाँ पे सही जवाब। शिवा शर्मा, ये किरण बुक आप परचेज कर लीजिए, ज्यादा अच्छा है, जिससे कि आपके पास एक हार्ड कॉपी में आ जाएगी। तो यहाँ पर जितने लोग बोले सर न्यूक्लियर, मतलब हमारा जो नाभिकीय रिलेटेड वर्ड है वो होमी जहांगीर भाभा लेकर के आए थे, तो जितने लोगों को 1 नंबर लग रहा है वो बिल्कुल सही है। अभी आपको बताना है इनमें से सबसे ज्यादा हीट कौन सा, कौन देगा, कोल देगा, लिग्नाइट देगा, एंथ्रेसाइट देगा या पीट देगा, सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें होती है। तो जनता बोल रही है सर सबसे ज्यादा जो हमारी एनर्जी है जिस हीट में, जिस कोयले में होती है वो एंथ्रेसाइट होता है, जो सबसे अच्छे क्वालिटी का कोयला होता है, कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है जिससे कि सबसे ज्यादा एनर्जी को भी देता है। आगे तब चलते हैं, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग वेव यूज एज अ कम्युनिकेशन बाय द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जो हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है उसमें कौन सी रेज का इस्तेमाल होता है। 97 में पूछा गया क्वेश्चन, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, AM होती है, ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, या हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ 10^6 सीरीज। यहाँ पर जनता बोलेगी सर हमारी जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं जिसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट में जिन वेव्स का, वो है क्या होना चाहिए। यहाँ पर जनता बोलेगी सर माइक्रोवेव्स, जितने लोग माइक्रोवेव्स बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज फाउंड इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इनमें से हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या चीज देखेंगे। फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, फिक्स्ड डायमेंशन, चेंज इन फ्रीक्वेंसी एंड डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन ओनली। जो हमारी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है उसमें हम कौन सी चीज को देखेंगे। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी को फिक्स रख करके जब तरंगों को भेजा जाता है, जैसे कि हमारे रेडियो में होता है FM, वो आपका सही जवाब होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी इज राइट आंसर। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द स्पीड ऑफ कार इज डबल देन व्हाट विल बी द ब्रेकिंग फोर्स ऑफ कार टू स्टॉप इट इन द सेम डिस्टेंस।
अगर मैं क्या करूं, कार की स्पीड को डबल कर दूं, ठीक है, वी से जा रही थी और मैंने अब इसकी स्पीड को क्या कर दिया, टू वी कर दिया, तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे कि ये जितनी स्पीड में रुकी थी यहां पर, मान लीजिए कि यहां से ब्रेक लगाना शुरू किया और ये यहां पर रुकी 50 मीटर में, तो यहां पर कितना फोर्स लगेगा जिससे कि डबल स्पीड को रोकना पड़ेगा। दैट वॉज अ हाफ टाइम, फोर टाइम, टू टाइम या 1/4 टाइम। हाफ टाइम, फोर टाइम्स, टू टाइम्स या हमारा 1/4 टाइम। तो यहाँ पर जनता बोली है सर सही जवाब होना चाहिए क्या? हाँ, यहाँ पर सही जवाब होना चाहिए 4th टाइम। काइनेटिक एनर्जी को हमें वहां पर क्या करना पड़ेगा, ब्रेक के रूप में इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि क्या होती है, ½mv², मतलब जो वेलोसिटी होती है उसकी क्या होती है, स्क्वायर में होती है। तो कितना हो रहा है, वेलोसिटी दोगुनी हो रही है, तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा 4 गुना, मतलब 2 का स्क्वायर, 4 गुना आपको लगाना पड़ेगा। छठवें का सही जवाब है 1 नंबर। आगे की तरफ चलते हैं। डायमेंशन ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग इज सेम एज दैट द इम्पल्स, आवेग की जो हमारी डायमेंशन होती है वो किसके बराबर होती है, वॉल्यूम, मोमेंटम, टॉर्क या चेंज इन रेट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम की हमारी डायमेंशन किसके बराबर होती है? चलिए, तो यहां पर हमने आपको कल भी बताया था कि मोमेंटम और इम्पल्स, संवेग और आवेग, ये दोनों की डायमेंशन हमारी सेम होती है। तो यहाँ पर 2 नंबर बिल्कुल सही है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। 8 से लेकर के आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल क्वांटिटीज, इनमें से कौन सी हमारी भौतिक राशि है, वॉल्यूम, टाइम, वेलोसिटी या फोर्स, कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये अगर एग्जाम में पूछेगा तो क्या जवाब देंगे हम? जनता बोले सर फंडामेंटल क्वांटिटी होती है 7, जिसमें टाइम है ना, मास, ये सब आता है, टाइम, मास, टेम्परेचर, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज टाइम के ऊपर टिक करेंगे। व्हेन अ रिंग इज मेटल इज हीटेड, हमारे पास एक रिंग है, अंगूठी जिसको बोलते हैं है ना, जिसको आप छल्ला बोलते हो, इसको अगर मैं गर्म कर रहा हूं तो इसका जो होल है ये क्या होगा, एक्सपेंड होगा, कॉन्स्ट्रैक्ट होगा? एक्सपेंड और कॉन्स्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू डायामीटर, इट एक्सपेंड और कॉन्स्ट्रेक्ट अकॉर्डिंग टू कॉफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन। अगर मैंने क्या किया, मैंने एक रिंग है उसको गर्म करना शुरू किया, मेटल की रिंग, तो उसका जो होल है उसमें क्या हो जाएगा? तो गाइस क्या होना चाहिए सही जवाब, ये फैलता चला जाएगा, ये फैल रहा है, इसका जो ये होल है ये भी एक्सपेंड करता चला जाएगा, फैलता चला जाएगा। तो जितने लोग जो है वो बोल रहे हैं सर सही जवाब होना चाहिए 1 नंबर, उनका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। इफ द डायामीटर ऑफ कैपलरी इज डबल्ड देन द राइज ऑफ वाटर विल बी, मतलब केसकर, तो मतलब हम कैपलरी एक्शन की बात कर रहे हैं, अगर मैंने कैपलरी ट्यूब का डायामीटर को डबल कर दिया, ठीक है, तो इसमें जो पानी ऊपर की तरफ जा रहा था वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा या कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्या लग रहा है सही जवाब? बहुत बढ़िया, जनता बोले सर हाफ हो जाएगा, क्योंकि जो रेडियस होती है वो हमारे किसके, राइस ऑफ वाटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो आप इसको कितना करोगे, आप इसको दुगना करोगे तो उसका राइस ऑफ वाटर आधा हो जाएगा, जितनी पतली कैपिलरी ट्यूब उतना अच्छा कैपिलरी एक्शन होगा। वाई द निडल ऑफ आयरन स्विम ऑन वाटर सरफेस व्हेन इट किप्ड जेंटली, जब हम किसी सुई को पानी पर डाल देते हैं तो ये तैरती क्यों है? इट विल रिमेन अंडर द वॉटर वेन इट डिस्प्लेस मोर वॉटर देन इट्स वेट, द डेंसिटी ऑफ निडल इज लेस देन द वॉटर ड्यू टू द सर्फेस टेंशन या ड्यू टू इट्स शेप। यहां पर मनीष कुमार का मानना है 3 नंबर होना चाहिए, अर्चना का भी मानना है कि सर 3 नंबर होना चाहिए, लेकिन 11वें का सही जवाब है, क्योंकि ये सर्फेस टेंशन की वजह से हम उसको रखते हैं तो ये ऊपर सर्फेस पर आ जाती है। और लेकिन यहां पर दूसरा कारण ये भी होता है कि डेंसिटी ऑफ निडल जो है वो हमारी पानी से कम होती है, तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है। तो यहीं पर आपको सही करना पड़ेगा कि डेंसिटी ऑफ निडल इज लेस देन वाटर, तभी वो तैर रही है, अदरवाइज वो डूब जाएगी। सरफेस टेंशन की जगह पर आप इसके ऊपर टिक करेंगे, ठीक है, तो ये भी ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है।
द मास ऑफ स्टार टू टाइम्स ऑफ द मास ऑफ सन, हाउ इट विल कम टू एंड। ठीक है, द मास ऑफ स्टार इज टू टाइम ऑफ मास ऑफ सन, हाउ इट विल केम टू एंड। न्यूट्रन स्टार, ब्लैक होल, व्हाइट डार्फ या जाइंट। अगर कोई भी हमारा तारा है वो सूर्य के द्रव्यमान से दोगुना है तो वो किस रूप में आप उसको कंसीडर करोगे? बहुत जगह पर किताबों में जवाब गलत दिया रहता है, इसलिए अर्चना हमको अकॉर्डिंगली आर्किमिडीज प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर जनता बोले सर 12वें का एक होना चाहिए, मतलब एक नंबर, जितने लोग बोल रहे हैं न्यूट्रॉन स्टार वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, न्यूट्रॉन स्टार बोलते हैं। चलिए अब रेन ड्रॉप के ऊपर बात कर लेते हैं, रेनी सीजन चल रहा है। रेन ड्रॉप फॉल फ्रॉम द ग्रेट हाइट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग इट, दे फॉल विद दैट अल्टीमेट वेलोसिटी विच डिफरेंट एट द डिफरेंट ड्रॉपलेट्स, दे फॉल विद द सेम अल्टीमेट वेलोसिटी। ठीक है, दोनों आप लोगों ने देख लिया होगा और आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे दो ऑप्शन इधर पे आपको देखने को मिल रहे हैं, द वेलोसिटी इंक्रीज व्हेन दे फॉल इन डिफरेंट वेलोसिटी ऑफ अर्थ, देयर वेलोसिटी इंक्रीजेस एंड फॉल विद द सेम वेलोसिटी ऑन अर्थ। यहाँ पर बूंदों के बारे में क्या जवाब आप देना चाहोगे? तो जनता बोल रही है सर यहाँ पर जो सही जवाब होना चाहिए वो होना चाहिए कौन सा, 13वें का। वापस से हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, रेन ड्रॉप फॉल फ्रॉम द ग्रेट हाइट विच आर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, फॉल दैट द अल्टीमेट वेलोसिटी विच आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ड्रॉपलेट। आप लोगों ने देखा होगा कहीं पर पानी बहुत तेज होता है, कहीं पर पानी बहुत धीरे होता है। जहां पर पानी की वेलोसिटी बहुत ऊपर से आएगा पानी तो वेलोसिटी बहुत तेज हो जाती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक सबसे सही जवाब है, बिल्कुल सेम नहीं रहती। आपने देखा होगा कभी पानी तेज बरसता है कभी धीमे बरसता है। आगे की तरफ चलते हैं, आगे हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलोइंग टेक्निक फोटो स्टेट मशीन वर्क, फोटो स्टेट जो है वो कौन से सिद्धांत पर काम करती है, मैग्नेटिक इमेज मेकिंग, थर्मल इमेज मेकिंग, इलेक्ट्रोस्टेटिक इमेज मेकिंग या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमेज मेकिंग। बहुत सारे लोगों को याद आया होगा फोटो स्टेट का मशीन जिसपे वो जा करके अपने नोट्स कॉपी कराते थे। तो गाइस यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा, हमारा जो फोटो स्टेट मशीन है वो जिस सिद्धांत पर काम करती है वो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेजन मेकिंग मशीन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेजन पर काम करती है। जितने लोग तीन नंबर बोल रहे हैं वो सही है। ठीक है, जीरोक्स। अभी आपको बताना है 1 kW इज इक्वल टू हाउ मैनी, 1 kWh हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, और हमने पूछा कि ये कितने जूल के बराबर होगी, तो यहाँ पर बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया है। यहाँ पर जूल को अगर कन्वर्ट करना है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, 60 × 60 है ना, मिनट और सेकंड, तो 36 आएगा। बाकी का बाद में देख लेंगे क्योंकि 36 के अलावा कोई मैच ही नहीं कर रहा है। एक नंबर के ऊपर टिक करो सही हो जाएगा। व्हाट इज द मिनिमम एस्केप वेलोसिटी फॉर द रीचिंग टू द स्पेस, अगर मुझे अंतरिक्ष में जाना है तो मेरी मिनिमम एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी, 5, 6, 11, 15। जनता बोलेगी सर 11 के ऊपर टिक करिए क्योंकि यही हमारी स्केप वेलोसिटी होगी। अब यहाँ पर रेनबो के बारे में बताना है, इंद्रधनुष, फेस, वी फेस सन एंड रेन ड्रॉप्स, द सन रिमेन्स बिहाइंड एंड वी फेस द रेन ड्रॉप्स, इन द लाइट रेन फॉर्म वी फेस द सन, द स्काई रिमेन्स क्लियर एंड सन एट द लोअर पोजिशन इन द स्काई। कब आपको रेनबो दिखाई देगा? तो इंद्रधनुष जिसमें हमको सातों रंग दिखाई देते हैं उसके बनने का कारण होता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, उसके बाद से डिस्पर्सन का प्रोसेस होता है, और हम लोग सूर्य के पीछे मतलब सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन सन इज बिहाइंड द रेनबो। यहाँ पर दो नंबर जितने लोग बोल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। हाउ मच कैलोरी ऑफ एनर्जी इज रिलीज बाय द बॉयल्ड एग, हम जाने जब अंडे उबाले जाते हैं तो कितनी एनर्जी लगती है, 40, 50, दैट वॉज 77 या 60। सर कैलोरी हमने तो कभी देखा नहीं है, हाउ मच कैलोरी ऑफ एनर्जी रिलीज बाय द बॉयल्ड एग, तो भैया यहाँ पर 77 से 78 एनर्जी जो है आपको रिलीज होती है और आप जब अंडे को बॉयल अंडे करते हैं। चलिए आगे जब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, देखते हैं स्प्लिंटिंग ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ लाइट इन अ प्रिज्म, जब हमारे एक प्रिज्म में जो 7 अलग अलग रंग बनते हैं उसका कारण क्या है, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्सन, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। हमारा प्रिज्म है और उसमें आकर के ये
किरण टकराई और सात अलग अलग रंग बने, उसका कारण क्या है? जनता बोलेगी सर इसका कारण है सात रंगों की घटना, क्या कहलाती है? वर्ण विभतन, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। दो नंबर बिल्कुल सही है। बोट विल सबमर्ज व्हेन इट डिस्प्लेस वाटर इक्वल टू इट्स ओन। जब बोट जब पानी में डाली जाती है तो वो क्या अपने भार के बराबर, अपने आयतन के बराबर, अपने सरफेस एरिया के बराबर, अपने घनत्व के बराबर पानी को डिस्प्लेस करती है। तो हमारे आर्किमिडीज का प्रिंसिपल हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से जल के अंदर या किसी द्रव के अंदर डालते हैं तो अपने वेट के बराबर विक्षेपित करती है जब वो तैरती है। तो तैर रही है बोट तो अपने वेट के बराबर पानी को बाहर निकालती है। सरफेस टेंशन इन लिक्विड इज ड्यू टू, सरफेस टेंशन किसी लिक्विड में किस वजह से होता है? दैट वाज द एडहेसिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, कोहेसिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो हमारा सरफेस टेंशन किसी द्रव की सरफेस के ऊपर एकांक लंबाई पर लगने वाला, ठीक है, यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स है जो कि हमारे कोहेसिव फोर्स की वजह से लगता है। कोहेसिव मतलब ससंजक बल, एक ही अणुओं के बीच लगने वाले बल को कोहेसिव बोलते हैं। हमारे जो पानी की बूंद है या कोई भी लिक्विड है वो एक ही प्रकार के अणु से बना है, तो कोहेसिव फोर्स। जब डिफरेंट अणु आ जाएंगे तो अधेसिव आ जाएगा। यहाँ पर कोहेसिव के ऊपर टिक करिए, अंक मिल जाएगा। सर्कुलर प्लेट, अ क्यूब एंड द स्फीयर आर मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड हैविंग द सेम मास आर हीटेड टू द 300 डिग्री सेल्सियस एंड लेफ्ट इन द रूम, विच ऑफ देम हैव स्लोएस्ट रेट ऑफ कूलिंग। हमने एक प्लेट को गर्म किया, एक क्यूब को गर्म किया और एक गोले को गर्म किया, और यहाँ पर पूछ रहा है कि इन तीनों में सबसे जल्दी ठंडा कौन होगा, सबसे जल्दी ठंडा कौन होगा। तो सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है और जनता यहाँ पर बोलेगी सर यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए हमारा 22 नंबर का सही जवाब क्या होगा, अपने आप से बताइए। यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए हमारा ऑप्शन नंबर 3, स्पेयर। स्पेयर जो है ये हमारा सबसे देर में जो है वो ठंडा होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ, इसके लॉ के अकॉर्डिंग, हमारे न्यूटन के शीतलन नियम के अकॉर्डिंग, एरिया जिसका ज्यादा होता है उसमें एनर्जी ज्यादा देर में रिलीज होती है। ऑप्टिकल फाइबर इज यूज्ड इन, ऑप्टिकल फाइबर किसमें इस्तेमाल होते हैं? सीएटी स्कैन, एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड या इंडोस्कोपी। ऑप्टिकल फाइबर जिसमें हमने टीआईआर का सिद्धांत देखा हुआ है, तो ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल हम लोग इंडोस्कोपी में देखेंगे, है ना, आपके पाचन तंत्र की जानकारी के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन है, टू वेव्स विच ईच ऑफ एम्पलीट्यूड 1.1 mm एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 हर्ट्ज एंड ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 20, द डिस्टेंस इन mm बिटवीन एडजेसेंट नोड इज 1, 1.5, 1.2 या 2.0। एम्पलीट्यूड 1 है, फ्रीक्वेंसी 10 है, दोनों विपरीत दिशा में ट्रेवलिंग कर रही है, ठीक है, एक इधर आ रही है तो एक इधर आ रही है विद द स्पीड ऑफ 20 mm, ठीक। तो आपको बताना है कि डिस्टेंस जो कि उनको जहां पर वो मिलेंगी, यहां पर जनता क्या बोलना चाहती है? तो जनता बोलेगी सर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम छोड़ देंगे। गाइस यहां पर सही जवाब क्या होना चाहिए, v बराबर एन लैम्डा यहां पर रखिए, ठीक है, हाँ, v बराबर क्या रखेंगे, v बराबर एन लैम्डा रखिए, एन लैम्डा ये हमारी तरंग दैर्ध्य है और ये हमारी क्या है फ्रिक्वेंसी और ये क्या है हमारा स्पीड। तो हम इन सारी चीजों को रख देते हैं, 20 स्पीड है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 है, लैम्डा को निकालना है तो यहाँ कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो गाइज यहाँ पर हमारे जो वेवलेंथ होती है वो पूरा दोनों वेव्स के एक पूरे चक्रण को, तो हमको आधा यहाँ निकालना है, यहाँ पर ये आ रही है और यहाँ पर ये आ रही है, तो ये आधी आपको इसका कर देना है, तो आधा जैसे ही करेंगे तो आ जाएगा कितना 1 आ जाएगा, क्योंकि हमको सिर्फ एक की डिस्टेंस निकालनी है, दूसरी यहाँ से आ रही है और ये पूरी क्या बनाती है वेवलेंथ बनाती है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा हमारा 1। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, वी बराबर एल लैम्डा के बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछना जाएगा, चलिए ऊपर की तरफ आपको लेकर के चल रहे हैं और ये आपको बताना है, द स्नो ऑफ माउंटेन डज नॉट मेल्ट ऑल एट वंस व्हेन इट इज हीटेड बाय सन, बिकॉज हमारी जो पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ होती है वो एक साथ नहीं पिघलती है,
धीरे धीरे करके भी गलती है। क्यों? बिकम वेरी हार्ड, बहुत हार्ड होती है। रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ हीट इन फॉर्म ऑफ सन, इट हैज लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या इट हैज हाई लेटेंट हीट फ्यूजन। जनता क्या जवाब देना चाहेगी? जनता चाहेगी कि हमारे पास 90% जो लाइट फॉल हो रही है सूर्य की, वो क्या होती है, वो हमारी एब्जॉर्ब कर ली जाती है या रिफ्लेक्ट कर दी जाती है, तो रिफ्लेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से वो सूर्य की जो प्रकाश है उसका कोई उसके ऊपर असर नहीं होता है। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म लिसन द विसल्स ऑफ अराइविंग एंड डिपार्टिंग ट्रेन्स, द रिसल हर्ड इन बोथ केसेस, दोनों समान रहेंगी। हाइयर एंड इंटेंसिटी, जब आ रही ट्रेन तो ज्यादा तेज सुनाई देगी। हाइयर पिच, उसकी पिच ताकत तो ज्यादा होगा जब वो आ रही होगी। हाइयर पिच जब ट्रेन जा रही होगी, तो आपको बताना है वो एक खड़ा है इंसान, कई लोगों का काम होता है स्टेशन पर खड़े रहना, हम भी खड़े रहते थे, हम जब पढ़ते थे तो स्टेशन हमारे घर के पास में हुआ करता था, तो हम जा करके शाम को स्टेशन पर चाय पीने या कुछ घूमने टहलने चले जाते थे, तो ट्रेन की आवाज सुना करते थे। तो ट्रेन जब आती है और जाती है तो पूछा गया कि क्या होता है, तो जनता बोलेगी जब ट्रेन आती है तो हमको ऑब्वियस सी बात है, हमको क्या होगा, ट्रेन की जो बोल सकते हैं कि आवाज है वो तेज सुनाई देगी, है ना, और ट्रेन की जो आवाज है वो हाई पिच से आती है, इंटेंसिटी सेम रहती है लेकिन उसकी पिच बहुत ज्यादा होती है जो हमारे कानों को एकदम हालत खराब कर देती है। यहाँ पर जितने लोग 3 नंबर जवाब दे रहे हो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन था, शायद अभी आप लोगों को इसका जवाब नहीं पता होगा लेकिन अभी पता चल गया होगा। होलोग्राफी, जो होलोग्राम्स होते हैं उसकी टेक्निक क्या है, रिगार्डिंग ए परमानेंट शार्प विथ 2 डायमेंशनल ब्लैक एंड व्हाइट और मल्टीकलर फोटोग्राफ्स, रिगार्डिंग ए परमानेंट 3 डायमेंशनल मल्टीकलर फोटोग्राफ्स, रिगार्डिंग अ परमानेंट 3 डायमेंशन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ या रिगार्डिंग परमानेंट 3 डायमेंशन फोटोग्राफ गिवन सिंगल कलर और अ मल्टी कलर। होलोग्राम के बारे में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर जनता बोले कि सर ये 3D होता है, सभी को दिखता है 3D होता है लेकिन कैसा होता है 3D? तो गाइस ये 3D या तो इसमें सिंगल कलर होंगे या इसमें मल्टी कलर होंगे, आप इसके ऊपर टिक करिए, बिल्कुल सही है, 4 नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, ये एक 3D रिकॉर्डिंग पैटर्न है जिस फोटोग्राफ का, जिसमें इसको सिंगल कलर या मल्टी कलर में दर्शाया जाता है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मोइस्ट एयर इज मोर देन ड्राई एयर बिकॉज ऑफ, क्यों है हमारी नमी में हवा में साउंड की स्पीड ज्यादा होती है जबकि शुष्क हवा में स्पीड कम होती है। लेस डेंसिटी देन ड्राई एयर, लेस प्रेशर देन ड्राई एयर, मोर प्रेशर देन ड्राई एयर या मोर डेंसिटी देन ड्राई एयर, जनता क्या बोलेगी? तो जनता यहां पर बोलेगी सर 28वें का सही जवाब होना चाहिए, लेस डेंसिटी देन ड्राई एयर। ठीक है, लेस डेंसिटी होती है हमारी मॉइस्ट एयर की देन ड्राई एयर, जिसकी वजह से आपको वो सुनाई देती ज्यादा जोर। आगे कब चलते हैं, आगे हमारे पास क्या आ रहा है, आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है, व्हेन अ आइस ब्लॉक विद द पीस ऑफ लेड एम्बेडेड इन इट फ्लोट इन वाटर, इफ आइस मेल्ट द वाटर लेवल विल बी, हमारा जब आइस है उसमें हमने लेड को डाल करके जमा दिया और उसको पानी के ऊपर तैरा दिया, जब आइस पिघल जाएगी तो वाटर का लेवल क्या रहेगा, बढ़ जाएगा, सेम रहेगा, गिर जाएगा, पहले गिरेगा फिर बढ़ जाएगा? यहां पर जनता बोलेगी सर यहां पर सही जवाब है कि हमने जब लेड डाल देंगे उसके अंदर, ठीक है, पीस ऑफ लेड, तो उस कंडीशन में ये फॉल कर जाएगा, नीचे चला जाएगा पानी का लेवल, ठीक है, जब हम उसको डालेंगे तो रिमेन सेम होता जब वो नॉर्मल होता। वेलोसिटी ऑफ हीट रेडिएशन इन वैक्यूम इज इक्वल टू द लाइट, लेस देन द लाइट, ग्रेटर देन द दैट ऑफ लाइट या इक्वल टू दैट ऑफ साउंड। हीट रेडिएशन इन वैक्यूम, तो जनता यहां पर बोलेगी सर 30वें का जो सही जवाब है, दैट वाज द इलेक्ट्रॉन्स आर जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीट कंडक्शन, और जब वैक्यूम में होगा हीट रेडिएशन तो वो लाइट के बराबर जाएगा, तो लाइट के बराबर। द प्लास्टिक मटेरियल कॉमनली यूज फॉर मेकिंग गियर व्हील्स इज, जो हमारे प्लास्टिक इस्तेमाल किया जाता है
मेकिंग गियर व्हील्स इन, जो हमारे व्हील्स के जो पहिए के अंदर जो आप देखते होंगे जो एलिमेंट इस्तेमाल किया जाता है प्लास्टिक का, वो कौन सा होता है? तो यहाँ पर जनता क्या बोलना चाहेगी? तो यहाँ पर जनता बोलेगी सर सही जवाब होना चाहिए नाइलॉन्स का इस्तेमाल करते हैं लोग अपने पहिए के, जो प्लास्टिक्स होती है नाइलॉन्स का इस्तेमाल किया जाता है उसको बिल्ड करने में। और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन डू नॉट रीच द अर्थ बिकॉज अर्थ एटमोसफियर इज सराउंडेड बाई, हमारे अल्ट्रावायलेट क्यों नहीं आ पाती, इजी क्वेश्चन है, अर्थ पर, क्योंकि हमारे अर्थ के चारों तरफ क्या है, ओजोन लेयर है ना, ओजोन लेयर इज राइट आंसर। क्यूरी इज द यूनिट ऑफ, क्यूरी ने क्या, मैडम क्यूरी जी ने क्या खोजा था, रेडियो एक्टिव टेम्परेचर, हीट या एनर्जी, तो ये कैसी यूनिट है, दैट वॉज द सीजीएस यूनिट, और यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा रेडियो एक्टिविटी, जितने लोग रेडियो एक्टिविटी बोल रहे हैं वो सही जवाब है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन ओवन, ओवन जो होता है जिसमें आप लोग देखते होंगे कोई भी चीज को, हाँ बेक किया जाता है, उसमें क्या होता है, एक्सरेज, यूवी, माइक्रो या रेडियो, यहाँ पर जनता जवाब देगी सर यहाँ पर माइक्रोवेव्स होते हैं, सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव ओवन इसीलिए तो बोलते हैं इसको। ओवन हीटेड फ्रॉम 0 to 10 degree द वॉल्यूम ऑफ गिवेन मास ऑफ वाटर इज इंक्रीजेस ग्रेजुअली डिक्रीजेस ग्रेजुअली इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। तो गाइज यहाँ पर आपको पता होना चाहिए 4 डिग्री, यहाँ पर हमारा डेंसिटी हाई होती है और वॉल्यूम लो होती है, यहाँ से जब आप देखेंगे तो 0 से 4 डिग्री, तो वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम लो 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 एंड लोएस्ट हो जाएगा, मतलब डिक्रीज करेगा और उसके बाद से 10 डिग्री तक वापस से इंक्रीज करेगा, याद रखना, जबकि डेंसिटी के केस में ये हाई होगा और फिर लो होगा, वो यहाँ पर डिक्रीज देन इंक्रीज होगा, 4 नंबर बिल्कुल सही है। आगे कब चलते हैं, नेक्स्ट एक पेज और खत्म, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे, आगे कब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी इज कॉन्टिन्यूअसली क्रिएटेड ड्यू टू न्यूक्लियर फिजन, सन में सूर्य में एनर्जी कैसे बनती है, न्यूक्लियर फिजन, फिजन, रेडियो एक्टिविटी या आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, सूर्य में हमारे जो एनर्जी है वो जिस वजह से हो रही है दैट वॉज द न्यूक्लियर फ्यूजन, जितने लोग नाभिकीय संलयन बोलेंगे वो सही जवाब देंगे, बहुत बार पूछा गया और बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हाट कम्स अंडर टैंक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक व्हाट कम्स अंडर टैंक सर्किट, सर्किट रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस, या तीनों के तीनों आते हैं, यहाँ पर 37 का जो सही जवाब होना चाहिए टैंक सर्किट की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो एक एलसी सर्किट होता है, ठीक है, एलसी का मतलब होता है हमारा हाँ इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, तो यहाँ पर टैंक सर्किट में हमारा 3 नंबर सही होना चाहिए, सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आगे कर चलते, आगे हमारे पास आता है कूलिश ट्यूब्स में क्या चीज का निर्माण होता है, कूलिश नलिका, रेडियो, माइक्रो, एक्स, गामा, तो कूलिश नलिका में जिसका निर्माण होता है एलसी सर्किट, टैंक सर्किट बोलते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो एक्सरेज का निर्माण होता है, रॉड्सन ने इसका आविष्कार किया हुआ था। आगे तब चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर रेगुलेटेड द इलेक्ट्रिकल सप्लाई, इनमें से हमारी इलेक्ट्रिकल सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए कौन से डायोड का इस्तेमाल करोगे, जीनर डायोड, जक्सन डायोड, गन डायोड या टनल डायोड, तो ये सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन, 39 नंबर, तो जनता बोलेगी सर जेड के सेप का ऐसा डायोड होता है जो कि हमारे इलेक्ट्रिक सप्लाई को क्या करता है, इस तरीके से सिंबल होता है उसका, है ना, तो ये हमारा जीनर डायोड है, तो जितने लोग जीनर डायोड के बारे में जानते हैं ये रेगुलेट करता है सप्लाई को। सन का जो एनर्जी का सोर्स है वो क्या है, तो फिर से क्वेश्चन आ गया है, फ्लोटो इलेक्ट्रिक, न्यूक्लियर फ्यूजन है, फ्यूजन है, थर्मोनिक इमल्शन है, तो आप फ्यूजन की तरफ टिक करिए, संलयन की तरफ, ये आपको अंक दे जाएगा। गामा रेस कैन यूज, गामा रेस जो है इसका इस्तेमाल हम कहाँ पर करेंगे, जीन म्यूटेशन, सीजिंग, बर्निंग, फीवर, जनता बोलेगी गामा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है जो कि हमारी रेडियो एक्टिव किरणें भी हैं, दोनों हैं, तो ये हमारी क्या काम करती है, ये हमारे डीएनए को यहाँ पर जीन म्यूटेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है गामा रेस का, बाकी का नहीं। जीन म्यूटेशन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सब्सटेंस विच कंडक्ट करंट इन द सॉलिड प्लेट इज, इनमें से किसकी बनी सॉलिड प्लेट में इलेक्ट्रिसिटी आ सकती है, डायमंड, आयोडीन, सोडियम क्लोराइड या एनएसीएल जिसको बोलते हैं, या ग्रेफाइट, तो जनता बोलेगी सर ग्रेफाइट के बारे में हमने बहुत सुना है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, तो 2 नंबर के ऊपर टिक करिए, सीपीयू में पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने है।
आगे की तरफ चलते हैं, आगे बढ़िया क्वेश्चन अब आ रहे हैं। आपको बताना है विच सेट कंडीशन रिप्रेजेंट द इजिएस्ट वे ऑफ लिक्विफाई गैस। अगर मुझे किसी गैस को लिक्विफाइड केस में लाना है तो क्या करना पड़ेगा? लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, या हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। लिक्विफाई करना है किसी गैस को, लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे उसके प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, है ना, पिस्टन के थ्रू, और जिससे कि वो कंप्रेस हो जाए, और उसके टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक नंबर जितने लोग बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। व्हाट इज द कलर ऑफ लाइट रिलेटेड टू? हमारा जो लाइट का कलर होता है वो किस पर आधारित होता है? एम्पलीट्यूड, क्वालिटी, फ्रिक्वेंसी या वेलोसिटी? जनता बोले कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, जो कलर होते हैं हमारी लाइट के, जैसे आप सभी लोग जानते होंगे, वो हमारे डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, स्पेक्ट्रम। तो गाइस यहाँ पर सही जवाब होना चाहिए एम्पलीट्यूड, ठीक है। व्हाट इज द कलर ऑफ लाइट रिलेटेड टू? एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर आपको टिक करना होगा ऑप्शन नंबर एक की तरफ, विजुअल प्रॉपर्टी जो है वो एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी तो सभी में होता है, एम्पलीट्यूड जो होंगे वही कलरिंग प्रॉपर्टी उसी की वजह से आती है। व्हाट प्रिंसिपल लॉ एक्सप्लेन द हाइड्रोलिक ब्रेक्स? जो हमारे हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं वो किसकी वजह से आपको दिखाई देंगे? बर्नौली, पाउलीस, पास्कल, आर्किमिडीज। जनता बोलेगी सर पास्कल लॉ के ऊपर टिक करिए, हाइड्रोलिक वर्ड कहीं पर भी आ जाएगा, पास्कल का नियम टिक करते हैं। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, मरकरी, ईथर, मरकरी, वाटर। सबसे अच्छा हीट का कंडक्टर कौन सा है, डालेंगे और उसमें एकदम हीट अच्छे से कंडक्ट होगी। जनता बोलेगी सर 46 का सही जवाब होता है क्या? हमारे जितने भी मेटल होते हैं वो सबसे अच्छे हीट के कंडक्टर होते हैं। मरकरी लिक्विड है लेकिन नेचर क्या है, वही है मेटल वाला। यहाँ पर मरकरी इज राइट आंसर। व्हाट इज व्यूड थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप क्या देखेंगे? इलेक्ट्रॉन एंड अदर एलिमेंट्री पार्टिकल, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, इनसाइड द ह्यूमन स्टमक या इनसाइड द ह्यूमन आई। माइक्रोस्कोप जो होता है उसके थ्रू हम क्या चीज देखते हैं? हमारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं, ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप होते हैं, और इनकी खोजी बैक्टीरिया और वायरस खोज के लिए किया गया था, ठीक है, एंटोनी वॉन लेवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की और इनकी खोज की थी। व्हाट अपरेटस इज यूज्ड टू लोकेट द सबमर्ज ऑब्जेक्ट? इनमें से कौन सी चीज के इस्तेमाल से हम लोग डूबी हुई चीज का पता लगा सकते हैं समुद्र के अंदर? रडार, कोसार, सोनार, पल्सर। जनता बोलेगी सर हमारा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जो होता है, जो कि हमारे साउंड के रिफ्लेक्शन पर, परावर्तन पर काम करता है, उससे आप कोई भी डूबी हुई चीज का पता लगा सकते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट विच यूजेस साउंड वेव टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशियन? सेम है वही, है ना, रिफ्लेक्शन के थ्रू आप पता लगा सकते हैं। आगे तक चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 49 के बाद आपके सामने आ रहा है क्या? विच कॉम्बिनेशन ऑफ कलर इज मोस्ट कन्वीनियंट ड्यूरिंग नाइट टाइम? रात में सबसे अच्छा जो है वो कौन सा कलर कॉम्बिनेशन होता है डे एंड नाइट टाइम, रात और दिन में? ऑरेंज एंड ब्लू, व्हाइट एंड ब्लैक, येल्लो एंड ब्लू, रेड एंड ग्रीन। भैया दिन में ये पहनी और रात में ये पहनी है? यहाँ पर जनता बोलेगी सर सही जवाब होना चाहिए, हमारा जो दिन में होता है वो रेड कलर और रात में क्या होता है, हमारा ग्रीन कलर सबसे कन्वीनियंट होता है, ठीक है, क्योंकि ये दिखाई अच्छे से देते हैं। दिन में जो है वो लाल कलर दिखाई देगा और रात में जो है वो ग्रीन कलर ज्यादा दिखाई देगा, तो इसलिए यहाँ पर कन्वीनियंट है, सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं, ये नहीं कि तुम्हारे लिए कन्वीनियंट है। इंस्ट्रूमेंट दैट मीजर एंड रिकॉर्ड द रिलेटिव ह्यूमिड ऑफ एयर, इनमें से अगर आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी मीजर करनी है तो किस इंस्ट्रूमेंट को खरीद के लाओगे? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर, बैरोमीटर। जनता बोलेगी डी है तो डेंसिटी को मीजर करेंगे, लैक्टोमीटर मिल्क पे आएगा, बैरोमीटर प्रेशर को मीजर करेगा, हाइग्रोमीटर के ऊपर टिक कर देते हैं। शेप ऑफ आवर मिल्की वे, हमारी जो बोल सकते हैं कि गैलेक्सी उसका शेप कैसा है, सर्कुलर है, इलेप्टिकल है, स्पेरिकल है, या आपको जो लग रहा है वो बता दीजिए। तो भैया हमारी जो मिल्की वे है इसमें हमारा सौर सिस्टम है वो कैसा है, स्पेरिकल शेप में है, सर्कुलर अर्कुलर नहीं टिक करना। डिफरेंट कलर ऑफ डिफरेंट स्टार इज ड्यू टू, हमारे जो कलर होते हैं सबका अलग अलग क्यों होता है स्टार का? दैट वॉज द टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी या रेडिएशन फ्रॉम देम। जनता बोलेगी सर स्टार के ऊपर अगर क्वेश्चन पूछोगे तो हम यहाँ पे जवाब आपको देंगे, उनका जो कलर है वो उनके किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, बीन्स लॉ, बीन के ने ये बताया था। फंडामेंटल साइंटिफिक प्रिंसिपल इन द ऑपरेशन ऑफ बैटरी,
है ना, जो हमारे बैटरी का ऑपरेशन है वो किसके ऊपर काम करता है, एसिड बेड इंटररिएक्शन डायलिसिस के ऊपर करता है, या हमारे डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स या ऑक्सीडेशन रिडक्शन के ऊपर काम करता है। तो गाइज यहाँ पे सही जवाब क्या होना चाहिए, तो हमारा जो बैटरी है बेसिकली एक उसमें वाटर सॉल्वेंट होता है या कोई भी ऑर्गेनिक लिक्विड होता है, जिसकी वजह से उसमें आयन जो है वो आपस में मूव करते हैं। तो डिसोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स 3 नंबर ऑप्शन जितने लोग बोल रहे हैं बिल्कुल सही जोड़ रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ विंड इज नोन एज, हमारी जो विंड की वेलोसिटी को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा है, अमीटर है, अल्टीमीटर है, एनीमोमीटर है या ऑडियोमीटर है। यहाँ पर जनता बोलेगी सर सही जवाब होना चाहिए एनीमोमीटर। एनीमोमीटर की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, विंड की स्पीड को मीजर कर सकते हैं, अल्टीमीटर की वजह से हम लोग हाइट मीजर कर सकते हैं, करंट हम लोग अमीटर से, और ऑडियोमीटर से आवाज। चलिए आगे तक चलते हैं। वूलन क्लॉथ केप्ट टू द बॉडी वार्म, हमारे जो गर्म कपड़े होते हैं वो क्यों हमको गर्म रखते हैं। वूल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, वूल इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, वूल एब्जॉर्ब द रेडियंट हीट, या वूल रिजेक्ट द हीट फ्रॉम आउटर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जनता बोलेगी सर गर्म कपड़े हमको इसलिए गर्म रखते हैं, ठंडे ऊनी कपड़े क्यों, क्योंकि ये जो है हमारे जो हीट है उसके बैड कंडक्टर है, उसको आगे जाने नहीं देते, गर्मी हमारे शरीर के अंदर रहती है और हमको ठंडी नहीं लगती है ना। आगे तक चलते हैं। आगे हमारे पास आता है इफ द वेवलेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज हाफ देन इट्स पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन विल बी, अगर मैंने क्या किया पेंडुलम की जो लेंथ है ना उसको क्या कर दिया हाफ कर दिया, तो आपको बताना है इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, जो हमारे टाइम पीरियड आवर्तकाल है उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। जनता बोलती है सर इसका जो टाइम पीरियड है अगर लेंथ को आप बढ़ा देंगे, क्योंकि टी इज इक्वल टू 2π√ में L/g होता है, तो इसको आपने बढ़ा दिया है, कितना बढ़ाया है हाफ कर दिया है, आधा कर दिया है, तो ये डिक्रीज कर जाएगा कितने से, √2 टाइम्स। √2 टाइम्स क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज कर जाएगा, इस तरीके से आपको करना होगा, ये फॉर्मूला होता है। मिस्ट इज कॉल्ड, मिस्ट का मतलब क्या होता है, ड्राई आइस, आइस एट द लो टेम्परेचर, वाटर वेपर एट द लो टेम्परेचर, या कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पर क्या होना चाहिए सही जवाब। तो जनता यहाँ पर बोलेगी सर 58 का जो सही जवाब है वो होना चाहिए मिस्ट इज अ फिनोमिना कॉज बाय द स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर सस्पेंडेड इन एयर, मतलब ये हमारी एक वाटर वेपर है जो कि लो टेम्परेचर पे हमको दिखाई देती है मिस्ट के रूप में, धुंध के रूप में, जैसे अभी बारिश में जो है वो आप जाओगे तो मिस्ट दिखाई देगी। वाइल कैचिंग अ बॉल अ प्लेयर पुल इट्स हैंड डाउन बिकॉज ऑफ फोर्स इंपल्स मोमेंटम या कैचिंग टाइम, किस वजह से अगर कैच लेते तो अपने हाथ को पीछे करते हैं, ठीक है, ताकि फोर्स जो है वो क्या लगे कम लगे, और फोर्स को कम करने के लिए टाइम को बढ़ाना पड़ेगा, इंपल्स को कम करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जितने लोग इंपल्स बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब बोल रहे हैं। व्हेन द बैरोमीटर रीडिंग इज सडनली रिसीड्स इट इंडिकेट, जब बैरोमीटर जो दाब मापी उसकी रीडिंग कम हो रही है तो क्या होने वाला है, विल बी वार्म एक्सट्रीमली स्टॉर्मी इट विल बी कोल्ड दैट वाज द इंसेंट रेन एटलीस्ट 48 आवर्स। तो यहाँ पर जैसे ही हमारा बैरोमीटर की रीडिंग 0 की तरफ जा रही है कम दाब का क्षेत्र बन रहा है, और कम दाब का क्षेत्र मतलब तूफान आने वाला, तूफान के आने के पहले का सन्नाटा है। द पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर यूनिफॉर्मली ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस विच इज इक्वल टू द हाइट ऑफ टावर विच ऑफ द फॉलोइंग पाथ विल बी टेप्स बाय द पार्टिकल, यदि किसी हमने पार्टिकल को ऊपर से नीचे की तरफ गिराया एक हाइट से और ये नीचे की तरफ आ रही है तो ये कैसा जो है वो हाइट बना रही है, सर्किल, पैराबोलिक, ग्रेट सर्किल या हमारा हाइपर पैराबोलिक। जनता बोले के साथ 61 का सही जवाब क्या होना चाहिए, 61 का सही जवाब होना चाहिए पार्टिकल जब नीचे की तरफ आ रही है यूनिफॉर्मली नीचे की तरफ गिर रही है यहाँ पर ये पैराबोलिक पाथ बनाएगी, कुछ इस तरीके से गिरती है ऐसे। चलिए पैराबोलिक पाथ के बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वॉर वॉज इन्वेंटेड बाई, दैट वॉज द नॉक एंड रुस्का, रॉबर्ट कोच एंड लेवन हॉक, सीपी स्वान, 62 का क्या होना चाहिए। तो गाइस अगर हम लोग बात करें, अगर मैं सिंपल या कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलता तो आप लोग लेवन हॉक की तरफ चले जाते, कंपाउंड नहीं है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, कैनल एंड रुस्का की तरफ टिक करेंगे, 1 नंबर इज राइट आंसर। व्हेन अ बॉटल ऑफ सेंट इज केप्ट ओपन इन द कॉर्नर ऑफ द रूम इट ऑर्डर विल स्प्रेड इन ऑल पार्ट ऑफ रूम इट इज ड्यू टू द, मैंने एक सेंट की बॉटल को खोल दिया किनारे कमरे में, पूरे कमरे में फैल गई, कारण क्या था, ई वेपराइजेशन, वेपराइजेशन
डिफ्यूजन या सब्लिमेशन। तो जनता बोलेगी 63 का सही जवाब होना चाहिए सर, दैट वॉज द परासरण। परासरण को हिंदी में बोलते हैं डिफ्यूजन। तो 63 क्वेश्चन के बाद यहाँ पर आगे तक जाएंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है, आपको बताना है 64 का, क्लियर नाइट्स आर कोल्डर देन द क्लाउडी नाइट्स। क्यों भैया, क्लियर नाइट्स जो है वो हमारी ठंडी होती है और क्लाउडी नाइट्स गर्म होती है, क्यों? कंडक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन, आइसोलेशन। जनता बोलेगी सर सही जवाब है रेडिएशन। रेडिएशन की वजह से वो पूरी तरीके से कवर रहता है, निकल नहीं पाती हीट, बादलों उसको ट्रैप कर देती। स्पीड ऑफ साउंड इज हाईएस्ट इन, हमारे जो साउंड की स्पीड है सबसे ज्यादा किसमें होगी, वाटर, एयर, ग्लास या ग्लिसरीन? तो जनता बोलेगी सर सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है। अब सॉलिड इनमें से कौन सा है, सॉलिड है ग्लास, ग्लास के ऊपर टिक कर दो, सबसे ज्यादा होगी टन। अ गैस थर्मोमीटर इज मोर सेंसिटिव देन द लिक्विड थर्मोमीटर, हमारा जो गैसियस थर्मोमीटर होता है वो ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग देता है, क्यों? इज लाइटर देन लिक्विड, एक्सपेंड मोर देन लिक्विड, इज इजी टू ऑब्टेन, डज नॉट चेंज स्टेट इजिली, क्या है रीजन? जनता बोलेगी सर 66 का जो सही जवाब है यहाँ पर होना चाहिए गैस जो है ये हमारा अपनी स्टेट जल्दी चेंज नहीं करता है, ठीक है, गर्म ठंडा जल्दी नहीं होता है, ये अपनी स्टेट चेंज ही नहीं करता, जिसकी वजह से इसकी रीडिंग ज्यादा सेंसिटिव होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन सन ग्लासेस, जो हमारे धूप वाले चश्मे होते हैं जिसको आप लोग लगा करके सोचते हो कि एकदम टॉम क्रूज बन गए, वो कौन सा चश्मा है, पायरेक्स है, फ्लिंट है, क्रूक्स है या क्रिस्टल है? जनता फिर से इसका जवाब देगी हाँ, जो सन ग्लासेस होते हैं वो हमारे बने होते किसके, वो हमारे बिल्कुल क्रूक्स ग्लास के बने होते हैं, जितने क्रूक्स बोल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे आगे हमारे पास आता है द स्पीड ऑफ लाइट विद द राइज इन टेम्परेचर ऑफ मीडियम इज, जो हमारी लाइट की चाल है वो टेम्परेचर को जब बढ़ाओगे तो क्या होगा, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, अनअल्टर्ड रहेगी या ड्रॉप सडनली? तो भैया टेम्परेचर को हमने बढ़ाया तो साउंड की स्पीड क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ टाइम, मतलब दोगुना, चार गुना बढ़ा रहे हो तो दो गुना बढ़ेगी, तो इंक्रीज कर जाएगी टेम्परेचर के, प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अरे यहां पर लाइट था, साउंड का, साउंड में आपकी जो है ये मैंने पढ़ लिया था, साउंड है, लाइट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लाइट का कोई प्रभाव नहीं होता, साउंड पर रूट टू टाइम इंक्रीज कर जाती है। चलो दोनों यहां पर हमने आपको बता दिया, लाइट का कोई प्रभाव, लाइट का कहां से प्रभाव पड़ेगा टेम्परेचर पे? क्लॉथ कीप एज वार्म इन द विंटर बिकॉज, हमारे जो कपड़े होते हैं वो हमको गर्म क्यों रखते हैं, हाँ लाइट था वहां पे। तो सप्लाई हीट डू नॉट रेडिएट हीट, प्रिवेंट एयर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग द बॉडी, प्रिवेंट द हीट ऑफ बॉडी फ्रॉम एस्केपिंग। क्लॉथ हमको गर्म क्यों रख रहे हैं, तो कपड़े हमको गर्म इसलिए रखते हैं, क्यों रखते हैं भाई? यहाँ पर जनता बोलेगी वो शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देते हैं, रोक देते हैं, शरीर के अंदर ट्रैप कर देते हैं। तो यहाँ पर चार नंबर जितने लोग बोल रहे हैं बिल्कुल सही विचार व्यक्त कर रहे हैं। आगे तक चलते हैं, 454 का अंतिम कॉलम है और देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जवाब देंगे। 75 क्वेश्चन, इन रेफ्रिजरेटर व्हाट प्रोड्यूस द कूलिंग, हमारे जो रेफ्रिजरेटर है उसमें कूलिंग किस वजह से होती है? आइस वॉज डिपॉजिट इन द फ्रीजर, सडन एक्सपेंशन ऑफ कंप्रेस्ड गैसेस या ई वेपराइजेशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड? यहाँ पर जनता क्या बोलेगी, जनता बोलेगी सर हमारे जो फ्रिज में जो है वो बेसिकली हमारे जो कंप्रेस और रेफ्रिजरेंट गैस जो है वो बहुत तेजी से फैल रही है, तो यहाँ पर सडन एक्सपेंशन ऑफ कंप्रेस्ड गैस दो नंबर सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए 70 का। आगे तक चलते हैं 71 की तरफ, 71 आपको बताना है व्हाई वी आर एबल टू हियर शॉर्ट वेव ब्रॉडकास्ट बेटर देन द लॉन्ग वेव। रेडियो सुना होगा आप लोगों ने, तो आप लोग उसमें जो हमारा जो शॉर्ट वेव्स होती हैं वो ज्यादा अच्छे से अच्छी सुनाई देती हैं लॉन्ग वेव्स की अपेक्षा, तो उसका कारण क्या है? तो यहाँ पर आपके सामने शॉर्ट वेव्स आर मोर एनर्जेटिक देन लॉन्ग वेव्स, शॉर्ट वेव्स आर अनअफेक्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंस, शॉर्ट वेव्स ब्रॉडकास्ट आर मेड बाय द नियर बाय रेडियो स्टेशन या बाय द कन्वेंशन शॉर्ट वेव, तो सबसे एनर्जी इसमें ज्यादा होती है ना। When is the barometer reading is suddenly dip? तो ये क्या बता रहा है? तो बताया है खामोशी है तूफान के आने के पहले। Good conductor of electricity is, हमारी जो electricity उसका सबसे अच्छा conductor इनमें से कौन है? Dry air, paper, kerosene, graphite। क्या जवाब देंगे? 73 का जो सही जवाब है हम लोग हाँ graphite की तरफ अगर जाएंगे तो सही जवाब देंगे, ये अच्छा conductor होता है। Which of the following is the renewable sources of energy? Biogas, solar, wind, coal।
नॉन रिन्यूएबल पूछा गया है, नॉन यहाँ पर छोड़ना है, तो ये भी आपका रिन्यू होता है, ये भी, लेकिन ये जो है एक बार खत्म तो खत्म। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस। सूर्य की एनर्जी आई और ये केमिकल एनर्जी में स्टोर हो रही है, CO2 प्लस H2 सूर्य की एनर्जी आ रही है और केमिकल एनर्जी में स्टोर हो रही है C6H12O6, ये हमारी क्या है, फोटोसिंथेसिस। तो दो नंबर इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज की क्लास में 75 क्वेश्चन किए और कल की क्लास में भी हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। तो बी ऑन टाइम ऑन कितने, ऑन 5 PM शार्प, जिससे कि आप लोग सारे के सारे फिजिक्स के क्वेश्चन कर सको, जिसका से केमिस्ट्री करेंगे। और जितने भी लोग यहाँ पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी वाले बटन को दबाओ, और साथ ही साथ अगर देखेंगे, अगर आप यहाँ पर DSSB में जुड़ना चाहते हो या SSC रेलवे बैंक के किसी भी बैच में जुड़ना चाहते हो, आपके दोस्त भाई भतीजे कोई भी जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस कोड का इस्तेमाल करिए और डिटेल में सारी चीज़ों को समझिए, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं चीज़ों की। तो डिटेल अगर आपके बेसिक कमजोर है तो जुड़िए टेक्स्ट बुक सेलेक्ट पर, अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करिए, कोड का इस्तेमाल करिए, PANKAJC पंकज चौबे मेरा नाम है भाई, नाम तो सुना ही होगा। चलते गाइस, मिलते हैं अपने कल सुबह 10:30 बजे वाले सेशन में, डोंट मिस, क्योंकि देखिए एग्जाम सिनेरियो जो है वो अब क्रिएट होने लगा है, हर जगह पर एग्जाम की चर्चाएं शुरू हो गई हैं, तो आपको पीछे नहीं रहना है इस डिफिकल्ट सिचुएशन में। एग्जाम क्रैक करने का यही तरीका है, अच्छे से एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर में तैयारी करिए। तो मिलते हैं अपनी कल की क्लास में 10:30 बजे, तब तक के लिए नमस्ते आदाब सत श्री अकाल।